फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? घर की सारी सफाई हो चुकी है, मैं भी नहा धो के तैयार हो गई, पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और मैंने सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। रूटीन शेयर करने वाली हूँ, सब कुछ आपको मैं दिखाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं क्या करने वाली हूँ आपको बताइए। ये टाइम होता है मेरा नेचुरल पूजा चैनल पर वीडियो अपलोड करने का, तो फटाफट से मैं वीडियो की एडिटिंग करके और आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। ओके, और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और अब मैं क्या करती हूँ, फटाफट से इसको अपलोड कर देती हूँ और आप सभी तक पहुँचा देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो नेचुरल पूजा चैनल पर वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखना। और उस वीडियो का लिंक दे दूँगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो है आपके ब्राउन स्पॉट्स के लिए, जो मैंने आपको एक होम रेमेडी बताई है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना। अब मैं यहाँ पे बना रही थी चाय, और चाय मैं बना रही थी लेकिन मेरे माइंड में यही चल रहा था कि अब मैं सब्ज़ी में क्या बनाऊँ। सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए यही होती है कि मैं सब्ज़ी में क्या बनाऊँ। अगर मेरा लंच बन जाता है तो फिर मैं डिनर के लिए सोचने लगती हूँ, डिनर बन जाता है फिर मॉर्निंग में लंच के लिए सोचने लगती हूँ कि अब मैं क्या बनाऊँ। तो मुझे समझ में नहीं आता यार, एक औरत के लिए ना सबसे बड़ी टेंशन की बात यही होती है कि डेली का मतलब। तो चलो, सबने बोला है कि ऐसा करो करेले बना लो, क्योंकि करेले को ना मैंने नाइट में ही उनको अच्छे से कट करके और नमक डाल के रख दिया था। तो फिर चलिए, जब तक मेरी चाय अच्छे से बॉइल्ड होती है तो मैं करेले यहाँ पे रख देती हूँ बनने के लिए। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है कढ़ाई में तेल, और ये सरसों का तेल है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी सौंफ, और जब सौंफ थोड़ी सी कलर चेंज हो गया था उसके बाद मैंने इसमें डाल दी प्याज और लहसुन। और ये ना मैं भर के बनाने वाली थी आज, लेकिन नहीं बनाई क्योंकि सारे ना बीज वाले निकले इसलिए। और इसमें नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और क्या डाला है, हल्दी पाउडर, ये सब कुछ मैंने डाल दिया। और ये लास्ट में मैंने इसमें डाला है सौंफ पाउडर। डालने के बाद मतलब थोड़ी सी सौंफ का ही मैंने इसमें तड़का लगाया है, और उसके बाद भी सौंफ पाउडर भी मैंने डाला है, क्योंकि जो करेले होते हैं ना सौंफ से ही उनमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए अब देखिए, जो मेरा मसाला है काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, भुन गया ना, कितना अच्छा भुन गया। अब जो करेले हैं तो इनको भी मैंने अच्छे से साफ धो लिया, और धोने के बाद इनको भी मैंने डाल दिया, इनका मतलब जितना भी पानी था ना धोने के बाद सारा हाथ से निचोड़ के मैंने और निकाल दिया। उसके बाद इनको डाल दिया, क्योंकि जो मैं ये सूखे करेले बनाती हूँ ना इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालती, ये इसी तरीके से बनाते हैं हम लोग फ्राई करके अच्छे से। और भर के बनाने वाली थी, मैंने काटे भी उसी तरीके से थे, लेकिन लास्ट में मैंने इस तरीके से काटने पड़े मुझे, क्योंकि जैसे ही मैंने इनमें एक चीरा लगाया ना भरने के लिए मसाला, तो देखा कि सारे करेले बीज वाले हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में। तो इसलिए इन सबको मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से, और प्लेट को इस तरीके से कवर कर दिया। मैं इसी तरीके से कवर करके रखती हूँ जब कोई सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो इसलिए क्योंकि भाप में ना वो अच्छे से पकती रहती है। गैस को मैंने रखा है एकदम स्लो फ्लेम पे करके, तो देखिए बीच बीच में मैं इसे इसी तरीके से चलाती रही थी, और जो मेरी करेले की सब्ज़ी कितनी देर में बनी थी, कम से कम 20 मिनट तो इसमें लगे गए थे। अब मैंने इसमें डाला है अमचूर पाउडर, क्योंकि आजकल क्या ना कैरी तो चल नहीं रही, और जब तक इसमें थोड़ी सी खटास नहीं आती ये तो मतलब करेले में स्वाद भी नहीं आता, तो अमचूर पाउडर डाल दिया। तो 15 से 20 मिनट में जो मेरी सब्ज़ी थी बनके हो गई थी तैयार। तो लीजिए, गर्मा गर्म सब्ज़ी है तैयार। तो यहाँ पे मैंने करेले की सब्ज़ी इस तरीके मतलब ऐसी दिखेगी आपको बनने के बाद। ये थोड़ी सी दही है और रोटियाँ। तो सबसे पहले खाना मैंने हस्बैंड को दिया था, क्योंकि आजकल ना ऑफिस के लिए बहुत ही जल्दी से निकलते हैं। Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use. तो खाना बना के सबसे पहले दिया मैंने हस्बैंड को, और वो निकल गए अपनी ऑफिस के लिए। अब हम बचे हैं, तो अभी मैंने बनाई नहीं है, मतलब सब्ज़ी बन चुकी है, रोटियां नहीं बनाई, तो वो मैं बनाऊंगी बाद में। तो फिलहाल तो चाय पी लेते हैं, क्योंकि जो चाय है ना मेरी काफ़ी ज़्यादा कड़क हो चुकी है रखे। तो मैंने विशु के लिए भी दे दी, विशु अपनी स्टडी कर रहा है और मैं अपनी चाय पी रही हूँ। और अब मुझे देखिए क्या करना है, अब मुझे करना है कि जो मेरे पास टाइम होता है ना, मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि आप सब लोग मुझे कमेंट्स करते हो, नेचुरल पूजा चैनल पर करते हो आप,
और व्लॉग्स चैनल पे करते हो मुझे कि मैम अगला वीडियो इस टॉपिक पे लेके आइए, तो जिसकी मतलब जिस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं ना, तो मैं उसी टॉपिक को लेती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपके एक कमेंट्स रीड करती हूँ कि आप लोग क्या चाह रहे हो, किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हो, तो मैं वही लेती हूँ। और आपके जो टॉपिक्स होते हैं, सॉरी, जो आपके कमेंट्स होते हैं, तो उनको मैं पहले नोट कर लेती हूँ कि आपने इस टॉपिक पर मेरे को वीडियो बनाने के लिए बोला है। तो मैं एक बार में ना कम से कम 5 से 6 आपके जो क्या कहते हैं टॉपिक होते हैं उनको नोट कर लेती हूँ। और विशु भी साथ में लेटा हुआ था, वो मुझे कुछ बातें कर रहा था, तो मैं उसको भी जवाब देती जा रही थी और अपने पॉइंट जो मेरे थे उनको नोट करती जा रही थी कि मेरे को किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। तो बस, और इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है सोचने में कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फिर उसको सर्च करती हूँ, तो ऐसा होता है ना, मेरे पास टाइम होता है तो मैं एक साथ ही 2 से 3 वीडियो फिर बना के रख लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने किचन की भी सफाई कर लिया। अब बस ये है कि धीरे धीरे अपनी घर की सफाई में लगना है, क्योंकि एक साथ तो हो नहीं पाती, मैं धीरे धीरे करके करूँगी ना, तभी जाके हो पाएगी। तो सबसे पहले मैं इसी रूम की सफाई करूँगी, तो जो अलमीरा है ना, इनकी सफाई करनी है। और अलमीरा का तो हालत आप जानते हो ना, कि डेली तो अलमीरा की सफाई हो नहीं पाती, कभी कभी हो पाती, लेकिन ज़्यादा गंदी भी नहीं होती क्योंकि बंद रहती हैं इसलिए। और फिर मतलब ये है कि 1-2 महीने में तो मैं इनको साफ़ कर देती हूँ, उससे पहले तो नहीं कर पाती, और इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी अपने उसके लिए ना थोड़ी सफाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं इनको ही लूँगी, सारे अलमीरा को, इन्हें अच्छे से साफ़ करूँगी, और साफ़ करने के बाद फिर और जो दीवार वगैरह इनकी सफाई होगी, और तो फिर बहुत काम होते हैं, आप जानते हो ना, जब दिवाली की सफाई होती है एकदम डीप क्लीनिंग होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, बाथरूम है, ये सारे साफ़ करने हैं। तो और देखिए, आपने कल एक कमेंट किया था नीचे के लिए, कमेंट किया था जो यहाँ पे हमारा बिस्तर लगा रहता है ना नीचे, कि दी आप नीचे की सफाई नहीं करते क्या? तो ऐसा नहीं है, नीचे की सफाई नहीं होती, नीचे की सफाई होती है और डेली होती है नीचे की सफाई, लेकिन जब सफाई करते हैं तो इन्हें हटा देते हैं, उसके बाद फिर मैं लगा देती हूँ, लेकिन अब मैंने फ़िलहाल के लिए हटा दिया, यहाँ से उठा के रख दिया सारा। कारपेट भी मैंने फोल्ड करके ना एक साइड में रख दिया, क्योंकि अभी सफाई होनी है तो उसके बाद ही डालूँगी उसे, और अभी एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही ना, तो इसलिए मैंने हटा दिया। अभी तक क्या ना एसी चलता था, तो फिर हम लोग यहीं पे सो जाते थे, 2 इस पे सो गए, 2 नीचे सो गए, बेटा ऊपर सो गया, हम नीचे सो गए, कभी मैं बेटा नीचे सो गए तो इसके पापा ऊपर सो गए, इस तरह का एसी तो चलता नहीं है, तो एसी तो बंद है, अभी बंद हुआ है मतलब 2-3 दिन से, कभी कभी चला भी लेते हैं नाइट में, तो इसलिए। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना नेक्स्ट पूजा के लिए, तब मैं इसे एसी ऑन करके बनाती हूँ, क्योंकि क्या है ना, पंखे की आवाज़ जाती है फिर, और मेरी आवाज़ तो नहीं जाती, पंखे की आवाज़ जाती है, गूँ 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 गूँ, तो अच्छा नहीं लगता, फिर वीडियो की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है, तो इसलिए। तो अब मैं इस व्लॉग का करने के लिए जा रही हूँ एंड, ठीक है ना, अब आप लोगों से मुलाकात होगी नए व्लॉग में। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, आप सभी को अच्छा लगा हो, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करो, ठीक है ना, वैसे मुझे पता है आप लोगों ने लाइक कर ही दिया होगा, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ये भी आते हैं कि दिया कब से बोल रहे हो होम टूर कराऊंगी, कब कराऊंगी यार, बस थोड़ा सा टाइम और दो, अभी करा दूंगी आपको, दिवाली तक मैं करा दूंगी, ये है होम टूर आपको, ठीक है ना। टूर में क्या यार, सब कुछ तो आपको मैं दिखाती रहती हूँ, मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ, आपको सारा घर तो मेरा पता ही है ना, तो इसमें क्या होम टूर कराना, यही मेरा छोटी सी दुनिया है मेरी, बस यही जो आप देखते रहते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी और अब मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करके जाना। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।